हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ प्राची बुक का चैप्टर 9 है बच्चों, कंस्ट्रक्शन। और इसका एग्जांपल नंबर 10 करवा रही हूँ। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर पी क्यू आर एस गिवन दैट डायगोनल पी आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल ये वाला एग्जांपल मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। एग्जांपल नंबर 10 कर रहे हैं आप। इसके जो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट हैं आप यही लिख सकते हैं। ऐसी फिगर ही आपको बनवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों इसमें, तो हम सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे पॉइंट लगा देती हूँ और यहाँ पे पॉइंट लगा देती हूँ, ठीक है। तो ये आपका 4 सेंटीमीटर का लाइन हो जाएगा। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ इसे। ये हो गई 4 सेंटीमीटर की लाइन पी, और ये है आर, ठीक है। पी आर एक लाइन ड्रॉ करी हमने और वो है 4 सेंटीमीटर की। ओके, अपनी कंपास को आधे से ज़्यादा खोलते हैं, ठीक है। जितनी 2 सेंटीमीटर की हाफ लाइन होगी उससे थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे अपनी कंपास और ऐसे करके एक अर्क लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। ओके, और इसी तरह से इस पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ पर एक अर्क लगा देंगे। बिल्कुल जैसे हमने ऊपर अर्क लगाई है उसी तरह से नीचे भी अर्क लगा देंगे। यहाँ लगानी है इसी पॉइंट पर रखकर, और फिर इस वाले पॉइंट पर रखकर इस पॉइंट पर रखेंगे और ऐसे करके एक अर्क लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम इसके बीचों बीच, यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वाई हो गया, वो एक्स हो गया, और ये जो पॉइंट हमारा होगा बच्चों ओ होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, स्क्वेयर है, स्क्वेयर की चारों साइड बराबर होती है, ठीक है। 4 साइड होती हैं और 4 साइड इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये जो 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। 4 का आधा क्या होता है, 2 होता है। तो मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की कंपास अपनी खोलूँगी, ठीक है, और क्या करूँगी यहाँ पर रखूँगी, यहाँ सेंटर में इस वाले पॉइंट पर यहाँ रखूँगी अपने कंपास को। तो मैं पहले यहाँ रख रही हूँ, तो मैंने क्या करा, ये पूरा ये आ रहा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी तरह से नीचे भी लगाऊँगी, ये देखें पूरा ही 2 सेंटीमीटर आ रहा है बच्चों। तो ये जो मेरा पॉइंट हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा Q, ठीक है, और ये जो मेरा पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा S। तो क्या बन गया, P Q R S हमारा स्क्वायर बन गया है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे, मिला लेंगे, ठीक। यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब क्या करेंगे, Q को R से मिलाएंगे, P को Q से ज्वाइन करेंगे, Q को R से ज्वाइन करेंगे, और R को S से ज्वाइन करेंगे, और P को S से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा बना है ये स्क्वायर है, क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो है पॉइंट, ये भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक इस तरह से ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन इस तरह से ये बनेगा। ओके, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट आप वही वाले रख लेना जो बुक में लिखे हैं, ठीक है। अब हम अगला कर लेते हैं एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 है बच्चों, लिखा है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल एबीसीडी हुज डायगोनल एसी 8 सेंटीमीटर एंड एन एंगल बिटवीन द डायगोनल्स इज 45 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चों हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, जिसका डायगोनल जो है वो एसी 8 सेंटीमीटर है और डायगोनल में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। तो हमें इसे ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं एसी ड्रॉ करूँगी 8 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर मैं स्केल की हेल्प से दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हूँ। मैंने 8 सेंटीमीटर का निशान लगाया है यहाँ पर, ठीक है। तो पॉइंट्स बना लेने हैं बच्चों, ताकि आपको आसानी से आर्क लगाने में और जो भी आपको ड्रॉ करना है लाइन भी ड्रॉ करने के लिए, अगर आप पॉइंट लगा लोगे पहले से, दो पॉइंट्स को मिलाना आसान होता है और फिर आपका मेज़रमेंट गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने एसी ड्रॉ कर लिया 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बच्चों मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपास को इस लाइन से आधे से ज़्यादा खोलना पड़ेगा। 8 सेंटीमीटर की लाइन है तो 4 से आप ज़्यादा खोलो, 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा खोलने के बाद हमें ए पर रख कर और सी पर रख कर आर्क लगानी है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, ताकि एक परपेंडिकुलर हम बना सकें। तो यहाँ पर मैंने सी पॉइंट पर कंपास रखी है और एक आर्क बड़ी सी यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है, और इसी तरह से नीचे वाली साइड भी ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है।
अब बच्चों अपनी कंपास को रखूंगी मैं ए पॉइंट पर, और इसी तरह से ऊपर नीचे दोनों तरफ आर्क ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास दो पॉइंट आ गए, तो दोनों पॉइंट्स को मिलाते ही मुझे एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों ये ओ पॉइंट हो जाएगा, और आपको पता होगा कि जो परपेंडिकुलर होता है उसमें हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो जो हमारी अर्क से कट बने हैं उस पर हम नाम लिख देते हैं पी और क्यू। ओके, इसमें आप कुछ भी नाम रख सकते हो, क्योंकि हमारा जो रेक्टेंगल है वो क्या है, ए बी सी डी, तो एक्स्ट्रा लाइन का आप कुछ भी नाम रख सकते हो। अब ये जो हमारा 90 डिग्री का एंगल बना है बच्चों, इसमें से हमें हाफ करना है, क्योंकि जो हमारे डायगनल्स हैं वो 45 डिग्री के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर क्योंकि आपका एंगल पहले से बना हुआ है 90 डिग्री का, एक अर्क लगा लूँगी, क्योंकि मुझे इस 90 डिग्री के एंगल को हाफ करना है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखो, ये जो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है इसका हमें हाफ बनाना है। ठीक है, हाफ करने के लिए इस पॉइंट पर रख कर एक अर्क मुझे ऊपर की तरफ यहाँ लगानी है। ठीक है, और इसी तरह से ऊपर वाले पॉइंट पर रख कर यहाँ पर एक अर्क इसको कट करते हुए लगा लेनी है। तो ये जो अर्क लगेगी बच्चों, ये हमारा 45 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ से। ठीक है, एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये था, दोनों पॉइंट्स पे जो मैंने अर्क लगाई है कंपास रख कर, तो यहाँ पर हमारा 45 डिग्री का बनेगा एंगल, और बिल्कुल दूसरी तरफ भी 45 डिग्री का अपने आप बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम 90 डिग्री के एंगल को हाफ कर रहे हैं, तो एक ही पॉइंट पर हमें कट लगाने से दोनों तरफ 45 डिग्री के एंगल मिल जाएंगे। तो मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट से और ओ पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, हमें ये पॉइंट और ये ओ वाला पॉइंट दोनों को टच करते हुए लाइन डालनी है। तो ये मैंने एक सीधी लंबी लाइन डाल दी है, और मेरा ओ पॉइंट और जो मैंने अर्क कट लगाई थी दोनों, वो टच करते हुए लाइन हमारी बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा बच्चों, 90 का हाफ हो जाएगा ये दोनों तरफ। ठीक है, जहाँ हमने अर्क लगाई है वहाँ, और नीचे वाली साइड दोनों तरफ 45 डिग्री के एंगल हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, एक साइड कट करने से दूसरी साइड अपने आप ही 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, अपनी कंपास को 4 सेंटीमीटर तक खोलना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो डायगनल है वो कितने सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का। अगर मैं सेंटर में कंपास को रख कर 4 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ और 4 सेंटीमीटर नीचे की तरफ अर्क लगाऊंगी, तो हमारा डायगनल कितना हो जाएगा बच्चों, 8 सेंटीमीटर का, 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, तो ये जो दोनों कट हमारे लगे हैं बच्चों, वो क्या हो जाएगा, ए और यहाँ पर बी पॉइंट आ गया मेरे पास, सी और यहाँ पर डी पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ए बी सी डी जो हमारा रेक्टेंगल है वो तैयार हो जाएगा। अब हमें सिर्फ क्या करना है, पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ए से मैं बी को मिला दूंगी, ठीक, और बी से सी को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ हमारा बी और सी भी ज्वाइन हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सी से डी को ज्वाइन करना है, और लास्ट में ए और डी को। ठीक है, तो हमारा ये रेक्टेंगल बनकर तैयार हो गया। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बच्चों, अगर आप स्टेप सही से कंप्लीट करते हो तो आपका फिगर जो है वो बन जाएगा। और ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का बन गया, और ये क्या क्या था बच्चों, 8 सेंटीमीटर की पूरी लाइन थी, तो हाफ़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर इधर और 4 सेंटीमीटर उधर। ठीक है, तो ये आपकी फिगर बन के तैयार हो गई है, और ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।